हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा ब्लॉग है डेली रूटीन पर, और आज हम लोग गए थे पल्टन बाज़ार और रात में गए थे एपीस के मोमोज खाने। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये हो गई सुबह और बन रहे हैं चाय परौठे, और आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं आया हूँ कानपुर से, अपनी बहन गया हूँ घूमने, और मेरी बहन रहती है देहरादून में। तो आज हम लोग कोर्ट गए हुए थे, काफ़ी मज़ा आया। हम लोग ने चाय पकौड़ियाँ खाई और मस्त। और ये कोई दो लोग पड़े सो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही घबराहट से सोया जा रहा है और इनको उठाया जा रहा है। अरे ये तो हम है ये तो इरफान है बहुत ही बेदर्दी से नींद खराब करी गई। अब बारी है चाय पराठे खाने की तो अब बारी है चाय पराठे खाने की, जो कि पराठे काफ़ी ज़्यादा ऑयली थे, तो चाय पी लो जाके पिघल गए। वैसे काफ़ी फैटी पराठे थे। और अभी हम लोग चाय पराठे खा के बस निकल रहे हैं अपने ब्लॉक की तरफ। तो अभी हम लोग जाएंगे रेडियो के पल्टन बाज़ार के पहले पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस यूँ जाना है। मैंने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया ना कंप्लीट देहरादून से, उसकी डिग्री मुझे अभी तक भी नहीं मिली है। और मैंने जो वो किया था वो 2016 में अपना कंप्लीट किया और पोस्ट ग्रेड, तो इसीलिए अप्लाई करना था डिग्री के लिए। फिर हम वहाँ पर गए अपना पोस्ट ऑफिस, वहाँ से हमने डिग्री अप्लाई करी। और अभी देखते जाना, ब्लॉग में बने रहना, बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ काफ़ी देर पोस्ट ऑफिस खड़े होने के बाद लिफाफा लेके हम लोग पहुँचे, क्योंकि लिफाफे का साइज़ काफ़ी छोटा था और लिफाफा हम लोग खरीद चुके थे और उसमें एड्रेस लिखने के बाद वो पैसे ख़राब भी हो गए। फिर हम लोग काफ़ी देर भटकने के बाद वापस, काफ़ी देर बुक स्टॉल्स पे ढूंढने के बाद हम लोग को बड़े साइज़ का लिफाफा मिला, और देन हम लोग वापस गए, वो भी 14 रुपये के लिफाफे। और दोबारा हम लोग वापस गए तो लंच टाइम हो गया था, तो और वेट करना पड़ा। पेपर बोर्ड भी पिया था हमने, हम लोग ने पेपर बोर्ड पिए एक एक, फिर हम लोग वापस। और ये हो गए हमारे लेटर्स रेडी, तो अब इसको हम लोग पोस्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड पोस्ट करेंगे और लंच टाइम ओवर होने वाला है। तो पोस्ट करने के बाद हम लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, और काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो हम लोग ने मंगाए चाय और पकौड़ियाँ, तो पकौड़ियाँ काफ़ी ही टेस्टी बनी हुई थी, तो हम लोग ने पकौड़ियाँ खाई, चाय पी आराम से। फिर हम लोग निकलना था हम लोग को पल्टन बाज़ार की ओर। पल्टन बाज़ार देहरादून की बहुत ही फेमस मार्केट है, तो अभी हम लोग चलते हैं पल्टन बाज़ार की ओर चाय पकौड़ियाँ खाने के बाद। अब पकौड़ियाँ इतनी टेस्टी थी ना, बहुत ज़्यादा, वो हरी हरी चटनी के साथ इतनी क्रंची सी पकौड़ियाँ, बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम लोग को भूख भी बहुत लग रही थी। फिर हमने पकौड़ियाँ खाई, चाय की, और फिर जल्दी से हम चल दिए मार्केट की तरफ, क्योंकि मार्केट जाना था, कुछ सामान लेना था। ये जो इरफान आया है ना कानपुर से, ये अपनी चप्पल भी लेके नहीं आया है, तो उसको चप्पल दिलानी थी, बट चप्पल मिली नहीं इसको, वो चप्पल वाले ने रेट ही कम नहीं करा तो बिना चप्पल के आया ये। तो हम लोग पहुँच गए बस पल्टन बाज़ार। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ही चलने के बाद पैदल, तो हम लोग पहुँच पे पल्टन बाज़ार। अभी हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी देर भटकने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोग को यहाँ पल्टन बाज़ार आके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे बहुत सारे थोक की, और हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। हम लोग चप्पल खरीदने गए थे, चप्पल काफ़ी महंगी दिया था उसने, रेट नहीं कम। हम लोग के पास पैसे बस थोड़े से कम पड़ रहे थे, बाकी सारे थे। हम लोग के पास 100 रुपये थे, बाकी 1900 कम पड़ रहे थे, इस वजह से दुकान वाले ने चप्पल देने से मना कर दिया। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल लिए। मेरे को कुछ ओवरसाइज टी शर्ट पसंद आई, बट मैंने नहीं खरीदी। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा था देहरादून की पल्टन बाज़ार, काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसमें पूरे ऑरेंज भगवा कलर रखा है, अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर। तो आओ चलो आपको दिखाता हूँ पल्टन बाज़ार, तकना नहीं वीडियो पूरा देखना, और चलो लेट्स गो। तो आज पूरा टारगेट पूरा करना है, 4000 आवर्स पूरे करने हैं पूरे, ठीक है, पूरी वीडियो देखना उसको, प्लीज़ क्या कहते हैं, स्किप मत करना और कट मत करना वीडियो को, पूरे देखते रहना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखिए काफ़ी सुंदर लग रही थी मार्केट, और भीड़ काफ़ी हो रखी है यहाँ पे। ये भाई ये बात है कि ये जो भगवा कलर किया है मार्केट में, मतलब कलर तो बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने तो बहुत दिन बाद देखा, जबकि मैं देहरादून की ही रहने वाली हूँ, फिर भी मेरा कहीं जाना आना होता नहीं है, तो मैंने बड़ी दिन बाद पहली बार मार्केट देखी ये वाली कम से कम यही हो गए होंगे 2-3 मंथ्स मुझे, तो मैंने अभी देखी मार्केट, बड़ा प्यारा लग रहा है कलर, वो खिला खिला सा।
तो हम लोगों ने फिर मार्केट अच्छे से घूमे। फिर हम लोग को अपने दुकान का सामान लेना था, जो कि देहरादून में जो हनुमान मंदिर है उसके सामने एक बहुत अच्छी सी दुकान है, तो वहाँ से हमने अपनी शॉप का पूरा सामान लिया। फिर घर का भी थोड़ा सा सामान लेना था, ग्रॉसरी का, वो सब लिया। उसके बाद हम वहाँ पर बारिश पड़ने लगी, और बारिश इतनी तेज़ पड़ी ना, हम तो डर ही गए कि यार हम लोग को सामान कहीं भीग ना जाए। फिर हमने बहुत देर तक ई रिक्शा का वेट किया, हमारा सामान भीग रहा था। फिर हमने सामान पैक करा और जल्दी से हमें ई रिक्शा मिल गया, पर उसने कहा अब मैं 120 रुपये लूँगा मम्मी। फिर हम लोग उसी रिक्शे पे सामान रख के चल दिए। काफ़ी बारिश, 100 रुपये में काफ़ी बारिश हो रही थी, थोड़ा बहुत भीगना पड़ा और थोड़ा बहुत सामान भीग गया, लेकिन क्या करना, घर तो जाना ही था बारिश में, क्योंकि टाइम हो रहा था, रात हो जाती। तो चलिए अब हमारे साथ रास्ता देखते हुए। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रखी थी, और आगे मेरे को लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी रिक्शे वाले की, वो पूछ रहा था कि इधर मुड़ना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछ रहा था, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी उसकी, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बोल रहा था। हाँ, रिक्शे वाला एमए करे हुए था लगा। फिर काफ़ी गड्ढे गुड्ढे हो रखे हैं देहरादून मार्केट में, तो जाना तो था ही, रिक्शे में झटके काफ़ी लगते हैं, और सामान सही से रखा नहीं था क्योंकि रिक्शा छोटा था और बारिश काफ़ी तेज़ हो रखी थी। इरफान तो रिक्शे में ना प्लाती मार के बैठा था, क्योंकि सामान इतना था वो बेचारा बैठ ही नहीं पा रहा था, उसने प्लाती मारी हुई थी रिक्शे में। कुत्तो आराम से बैठ गई, और मेरे को डब्बों के अंदर पैर फंसा के पलाती मार के बैठना पड़ा, काफ़ी नस चढ़ गई थी, पैर दुख रहा था, लेकिन क्या करें, अब चलते रिक्शे से तो उतरने जाते, और रास्ता भी मेरे को याद नहीं था, मैं बार बार इनसे पूछ रहा, पता नहीं कहाँ कन्फ्यूज़ हो रखी थी, और ये रिक्शा वाला भी बेचारा कन्फ्यूज़ हो गया था, उसको अलग अलग लास्ट से बताया। काफ़ी गड्ढे गुड्ढे थे, तो काफ़ी झटके लगे, पैर भी फंसा हुआ था, पैर भी दर्द होने लगे, काफ़ी थक गए थे इतना घूमने के बाद। आते टाइम मैंने घर भी नोटिस किए, काफ़ी अच्छे बने रखे थे, और गार्डन्स भी हैं इसमें बहुत सारे देहरादून में। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पीछे पबजी चल रहा है, तो काफ़ी ज़ोरों से, बेकार गेम। कोई नहीं, बेकार नहीं है, अच्छा गेम है, अच्छा पबजी बढ़िया गेम है, हम भी खेलते हैं। तो बैन करना चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए, देहरादून में तो हो जाना चाहिए बैन, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश तो रुकने का नाम ही ले रही थी, और हम लोग को जाना था घर, वैसे भी भीग रहे थे काफ़ी, और रास्ता वास्ता भी कंफ्यूज था, मैं पलथी मार के बैठा था, पैरों की नस चढ़ी रखी थी। जो जो यहाँ का रहने वाला होगा ना, वो तो देहरादून का जो अगर है उसको पता चल गया होगा कि हम कहाँ पर हैं ना, कौन सा रास्ता है, कि वो देखते ही समझ गया होगा ये वाला रास्ता है। बस फिर हम घर पहुँच गए थे, घर पहुँचते ही तो इतनी थकान हो रही थी ना, बारिश भी हो गई थी। बस जल्दी से हम लोगों ने फिर अपना काम वाम किया, सामान रखा, और फिर घर आने के बाद भूख काफ़ी ज़ोरों की लगी हुई थी, और खाना भी बनाया नहीं था इन्होंने, तो हम लोग रात के टाइम चल दिए एपीस के मोमोज खाने। काफ़ी अच्छा व्यू था रोड का, और मोमोज भी काफ़ी अच्छी जगह लगा रखे थे, और अभी मोमोज आने वाले, हम लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो अब हमारे मोमोज आ गए हैं, देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं, और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं मोमोज, और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमोज खाना। और ये 40 रुपये में फुल हाफ प्लेट मोमोज देते हैं, आप भी आइए पीस के सामने, इनकी शॉप लगा रखी इन्होंने, काफ़ी टेस्टी मोमोज हैं, ग्रेवी भी अच्छी है इनकी, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, और बैठने की जगह भी काफ़ी अच्छी है, तो आप भी आइए एक बार ट्राई करिएगा यहाँ के मोमोज। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रखा था, तो अभी हम लोग घर की ओर निकलने वाले हैं। निकल के अभी काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो घर पे गए, तो घर पे खाना बना रखा था इन्होंने, काफ़ी टेस्टी खाना बनाया था, लेकिन आज का तैयारी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और नहीं पसंद आया तो भी लाइक करिए, कमेंट करिए, भाई मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तो घूमते रहेंगे, और अभी आएगा हमारा